तो आओ चलो बच्चों, स्टार्ट हमने करते हैं। हेलो अल्किन को देख लिया था, आज हम लोग देखने वाले हैं हेलो अरीन। हमें पता है हेलो अरीन क्या है? हेलो अरीन होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हो, इसको कहते हैं हेलो अरीन। ठीक है, तो हम लोग इसके प्रिपरेशंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज को मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो बैंड बच जाएगा तुम लोगों का, है ना? नहीं क्या? पता। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन्स। रेवती, इसका दूसरा नाम बताओगी क्या होता है? बोलो, नहीं बताओगी क्या? लिख दिया ना आपने। ओ हाँ, चलो, इसको कहते हैं अराइल हेलाइड। क्या कहते हैं? अराइल हेलाइड। और हेलो अल्किन का क्या नाम था? अल्काइल हेलाइड। क्या था? अल्काइल हेलाइड। तो सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है, जिससे, और अच्छा एक चीज मैं बता दूं, बेंजीन में ही जुड़ेगा, और बेंजीन में कभी भी, वैसे कभी भी क्या, 95% केस, मैं तो 95% बोलूंगा, 95% केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक आया, दूसरा दूसरा गया, बस। समझ में आया? मैं पहले ही बता दूं बेंजीन में कैसा होता है, 95% केस। चाहो तो इसको अपने ब्रेन में लिख लो कितना, 95% केस में यही होता है। तो सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, या फिर बेंजीन कह लो इसको, ठीक है, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला स्मृति? T2H6, वाह, C6H6, वही सी वही टू, वही 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 नहीं वो वही होता नहीं है, हाँ, सी टू एच मतलब सिक्स C6H6, वाह मेरे वाह वाह, क्या टंग से बात, स्लिप हो गई, ऐसा समझ लो। बालकनी चार कार्बन स्लिप हो गया है ना, बालकनी से स्लिप हो जाए दुनिया का भला हो जाएगा। बट इसका तो घर ग्राउंड फ्लोर पे है ना? नहीं, सिक्स फ्लोर पर है। ओ, तब तो सही बोला है निकेत। क्या तुम लोग लिख रहे हो? फिर बाद में हाथ पांव मत मारना, स्पेशली दीपशिखा, हाथ पांव मार के एकदम लिख रही हूँ सर मैं। चिल्लम चिल्ली मचा देती है। बैक करो, बैक करो, हाँ, तो देखो, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बेंजीन, इसे करो सर। अब अराइल हैलाइड, देखो अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड अगर हमें बनाना है, तो मैंने पहले ही बोला था बेंजीन पे चुपचाप से जाके जोड़ दो, तुम क्या लगा दो, क्या लगा दो, हेलोजन। यहाँ पर क्या क्या कर रहा है, जो बेंजीन है उसमें सिर्फ और सिर्फ हेलोजिनेशन कर रहा है, और प्रोसेस क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल, ई प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या पसंद होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा या नहीं होगा, बोलो। इलेक्ट्रॉन याद रखना, इसी से मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन कौन से पोजीशन पे वो जाके जुड़ेगा, एकदम अच्छे से याद रखना। ये क्लास 11 का टॉपिक था, बट फिर भी मैं शॉर्ट में इसे समझाने का कोशिश करूंगा। ये याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रोफाइल दैट इज इलेक्ट्रॉन लविंग, इसको क्या पसंद है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो, तो इसमें हम लेते हैं एक बेंजीन, इसका मैकेनिज्म भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। हमने लिया एक बेंजीन, एक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन देखा हमने, लिया क्लोरीन Cl2, उसके बाद लिया हमने लेविस एसिड, इसको कुछ लोग लेविस भी कहते हैं, लेविस एसिड, इसके बारे में भी मैं लिखवा दूंगा तुम्हारे किताब में, एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है, मैं कम से कम 8-10 लिखवा दूंगा, है ना, ताकि दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि इसमें ले लो FeCl3, ठीक है, और प्रोडक्ट जो तुम्हारे पास बन के आएगा तुम्हारे हाथों में वो कुछ ऐसा, कैसा आएगा बच्चों? ऐसा आएगा, बन गया ना अराइल हैलाइड। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? प्लस में तुम ले लो HCl, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि क्लोरीन अगर यहाँ पर आकर जुड़ेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लोरीन अगर आएगा तो मैंने बोला था ना, ग्रीन कलर, मैंने बोला था ना कि कोई यहां से जाएगा, एक आएगा तो एक जाएगा,
तो हाइड्रोजन यहां से जाएगा H प्लस। बोलो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लोरीन आया हाइड्रोजन गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो गया तो वो दूसरा Cl है ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्लोरीन दो था तो एक Cl को पकड़ के यहां बना दिया HCl, कोई दिक्कत क्या। और इसका नाम बन के आता है हमारे सामने क्लोरोबेंजीन, क्या नाम है स्मिति? एक मिनट रुको यार, मेरा फोन नहीं है, पहले बोल दिया, रहने दो बस। कितना बहाना बनाते हो सर आप। पोपट तो बोलो बच्चों ऐसा होगा क्लोरोबेंजीन होगा। स्मिति स्मिति हाँ सर होगा होगा ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा यस है ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो थैंक तुमको यू सर। चलो ठीक है, तुमको पता है कि आयरन FeCl3 इसको इलेक्ट्रॉन का चाहत है, ये बात पता है कि नहीं पता है किसी को है? नहीं पता है क्या? आयरन के पास जो खाली ऑर्बिटल्स होते हैं Fe के पास चाहत है कि नहीं, उसे जरूरत है या नहीं है, बोलो। जरूरत है कह सकते हैं, जरूरत तो है उसे, ठीक है। तो याद रखना यहाँ से जो निकल के जाता है ना बच्चों, चलो मैं इसी को बना देता हूँ, काफी आश्चर्य लगेगा तुम्हें बट ऐसा है, ये जो क्लोरीन है ये है इलेक्ट्रोफाइल, अपने ऊपर लेके गया माथे पे कलंक प्लस का चार्ज, ठीक है। ये क्लोरीन प्लस बन के गया यहाँ पे और जाके करेगा अटैक, क्या करेगा अटैक, और यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करेगा फ्री, और खुद वहां पे कब्जा बना जमा के बैठेगा और बना देगा इसको क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे सीएल नेगेटिव एच प्लस को पकड़ेगा और बना देगा एच सी एल, ठीक है। तो चलो इसका मैकेनिज्म समझे, कोशिश करें छोटा सा मैकेनिज्म समझने का, आओ देखें, चलो देखते हैं। मैंने हमेशा समझाया तुम लोगों को पहले प्रोडक्ट याद करो और उसके बाद मैकेनिज्म। तो पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, इधर देखो, अगर मैं बोल रहा हूं Cl तो क्या ये Cl ऐसे होगा, बोलो बच्चों ऐसे होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आयरन को क्या है ना, आयरन को पसंद होता है इलेक्ट्रॉन, क्या पसंद है आयरन को पसंद है इलेक्ट्रॉन, और तुम्हें पता है कि क्लोरीन देना भी नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन, मालूम है कि नहीं, ये तो खुद है इलेक्ट्रॉन का भूखा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है यहाँ पे, इस साइड आता है और ये Cl बनता है नेगेटिव, मैं लिख दूं, और ये बनेगा Cl पॉजिटिव, ये एक्चुअल मैकेनिज्म है, ठीक है, ये बनता है Cl पॉजिटिव, और फाइनल जो प्रोडक्ट तुम्हारे पास निकल के आएगा वो होगा FeCl4 नेगेटिव, क्योंकि ये क्लोरीन कहाँ पे आता है, मैं इधर दिखा दूं, ये क्लोरीन आएगा इसके पास, ठीक है, और ये बनेगा FeCl4 नेगेटिव, ये क्या बनाएगा FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव, क्या बना दिया क्लोरीन पॉजिटिव, कोई दिक्कत है किसी को इतना बस समझने के लिए, बोलो, होना तो नहीं चाहिए। ये था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा हम देखेंगे अटैक जो करेगा वो, तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है देखो इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक कर रहा है। यहाँ पे अभी एक सवाल बहुत ही तगड़ा निकल के आएगा मुझे, लेकिन पता है कि दीपशिखा नहीं पूछेगी, मैं उसे उस पर काफी विश्वास करता हूँ। ये बेंजीन, ठीक है। तो देखो आओ, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है ना, क्लोरीन है प्लस, क्लोरीन क्या है प्लस, ये आकर करेगा अटैक, ये क्या करेगा आकर अटैक, ठीक है चलो करवाते हैं अटैक। ये आकर इस पर किया अटैक, तो अटैक करेगा तो क्या होगा, क्यों करेगा अटैक? एक मिनट, इसको इलेक्ट्रॉन का प्यास है भाई, इलेक्ट्रॉन का प्यास है, ठीक है। तो इधर देखो ध्यान से, क्लोरीन के पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा और बॉन्ड अब यहाँ पे बनेगा और प्लस चार्ज इसका वाला यहाँ आ जाएगा। चलो मैं इसे दिखा देता हूँ, बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए ना क्लोरीन के पास, उसके पास तो है ही नहीं ना, प्लस चार्ज है, दिख नहीं रहा है क्या? तो ये वाला जो है, ये समझो कुछ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, बाउंस कर गया? माइनस वाला ही चला जाता, प्लस वाला क्यों उठ गया? क्यों गया, क्यों जाए, उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है। और तुम जब इतना दिमाग लगा रहे हो, इससे ये समझ में आता कि तुम विमल के सचमुच रेगुलर कस्टमर हो, है ना, तुम इससे यही सिद्ध कर रहे हो। हाँ ठीक है, मत तो देखो ये क्या है ना, एक मिनट बेंजीन रिंग को फिर से अच्छे से बना दो, है ना, देखो देखो इधर दिखा कुछ। अब जो बॉन्ड बनेगा ना बच्चों, ये बॉन्ड तो रहेगा, ये बॉन्ड तो रहेगा, एक नया बॉन्ड इधर बन जाएगा क्लोरीन के बीच में और यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो गया। बोलो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सही है। मैं, क्या सही है? मतलब वो तो हम सही बोल रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब तुमको एक, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ रेजोनेंस होगा? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सच बताओ रेवती, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? मुझे तो दिख रहा होगा ना, काफी अजीब आवाज हो गया रेवती। रुको ये मेरी आवाज थी, तो कैसे होगा मुझे बताओ, क्या ये यहाँ पर आ जाएगा, ये बॉन्ड वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और ये हमारा क्लोरीन है। मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, बोलो एक बार और करवा दे, एक बार और करवा देते हैं, है ना, एक बार और। मैं इसका इंटरमीडिएट तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो काफी सही है। इधर देखो, अगर ये डबल बॉन्ड, ये प्लस चार्ज अब यहाँ से यहाँ पे आएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे बताओ, तो ये यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, दैट मींस कि ये यहाँ पर और एक यहाँ पर, और फिर पहले की तरह बन जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो मैं इतना ही बना रहा हूँ क्योंकि फिर वही बनेगा, तो क्या मतलब है इसका? मतलब जो इंटरमीडिएट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट यहाँ से वापस, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये यहीं तक बनेगा, वापस फिर से वैसा ही बनेगा, ठीक है, मतलब अरे ओ भाई, हाँ तो देखो ये जो बनेगा ना, इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड, क्या ये कुछ ऐसा बनेगा? अगर मैं गलत नहीं जा रहा हूं तो मुझे बताओ, बनेगा। कौन बोला है, कौन बोला है ऐसे इतने अजीब आवाज में? वो पहले स्मिति थी फिर मैं थी। ओ, मुझे लगा नहीं के। चलो तो ये ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, बोलो
ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है, ये इसका ट्रांजिशन स्टेट है और इसको कहते हैं स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसको सीधा सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहो। ये स्टेबल होता है तो इसको क्या बोलोगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बोलो बता सकते हो क्या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लग रहा, तुम्हें? बोलो। जो आपने पहले किया सेकंड वाले में, उधर तो हाइड्रोजन था ना, फिर वो इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट हो गया? कौन सा हाइड्रोजन है, कहाँ? जब क्लोरीन को हम ऐड कर रहे थे। हाँ तो यहाँ हाइड्रोजन है, यही बोल रहे हैं ना? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, अभी हाइड्रोजन है, अभी हाइड्रोजन, ये क्लोरीन जहाँ ऐड हुआ वही ना? यस सर। यहाँ हाइड्रोजन है, अभी है, मैंने उसे हटाया कहाँ, अभी अभी हटेगा ना? मतलब ये प्रोसेस साइमल्टेनियस होता है, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है? वो तो मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, ऐसे होता है। अभी तुरंत वही तो रिमूवल उसी का करेंगे ना, अभी उसी का करेंगे, वो आता है और ये इधर हटता है, ऐसा कुछ, ऐसी समझ में आया? कौन सा वाला हाइड्रोजन को अभी तुम भूल गई, पहले ये बताओ। हाँ सर। ठीक है, हाइड्रोजन को फ्री करो, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर से यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ गया और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, यहाँ क्लोरीन था। बोलो ये कोई दिक्कत है क्या? बन गया है ना, क्योंकि क्लोरीन के पास नहीं था इलेक्ट्रॉन। ये देखो बॉन्ड बना ना, ये बन गया बॉन्ड। अब बॉन्ड बना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, रेजोनेंस होने लगा, रेजोनेंस हुआ, इसको हमने बोला सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत। हाँ अब देखो, अब इसमें से हाइड्रोजन निकालना है, वो तो मुझे पता ही है कि हाइड्रोजन होते हुए मैं ये क्या कैसे हो रहा है। इधर देखो, अब तीसरा, किसी ने ये बात नहीं पकड़ा, अनिकेत ने भी नहीं, ठीक है, बट कोई नहीं, अनिकेत का क्या चलता। देखो अब होगा रिमूवल ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ऑफ ऑड इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस, ठीक है? तो रिमूवल ऑफ ऑड इलेक्ट्रोफाइल, तो रिमूवल ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन देखो बच्चों कैसे होगा, मैं यहां पे दिखाऊं क्या? देखो ये चीज समझ में आ जाएगा ना, तो मजा आ जाएगा फिर तुम लोगों को, बोलोगे वाह, वैसे ये तो है ही नहीं कुछ। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना, रोकना मुझे। ये क्लोरीन है, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन था। रेवती का एक जेन्यून एक्सक्यूज था, रीजन था भाई कि सर ये क्या सब सिस्टम हो रहा है ना, है ना? तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा ना, रेवती, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को देगा यहाँ, और ये अपना एच प्लस बन के उछलते कूदते निकल लेगा। यहाँ पे है ना एफ ई सी एल फोर नेगेटिव, ठीक है, ये क्या करेगा, एच सी एल पकड़ेगा, प्लस एफ ई सी एल थ्री बन जाएगा खुद, और प्लस में तुमको दे देगा क्लोरोबेंजीन, क्या दे देगा, क्लोरोबेंजीन। देखो इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, सी एल सी एल। बोलो कोई दिक्कत है क्या? मुझे तो नहीं है, तुम लोगों को बताओ भाई, बोलो, ऐसे गुमसुम से नहीं बैठना है, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, क्या दिक्कत है? हाँ रेवती, कुछ चमक में आया? क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा और H प्लस बन के ये यहाँ से उड़ जाएगा, क्या करेगा ये H प्लस बन के पहले से उड़ गया। अरे स्टेप बाय स्टेप हम समझा रहे हैं, हम क्या कूद जाए कंटेनर में, हाँ एक साथ लिख दे, सब कुछ चल रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो किसी को। तो हमारा बन के तैयार हो चुका है ताजा ताजा क्लोरो बेंजीन, क्या बन गया, क्लोरो बेंजीन, ठीक है, सॉरी क्लोरो बेंजीन। कोई दिक्कत दीपसिका, सेजवाल,
सर मेरा नेट चला गया था बीच में, मेरे को समझ नहीं आया। बहुत अच्छा, तो तुमको कोई दिक्कत ही नहीं है, वेरी गुड। रेवती तुमको तुमको इग्नोर क्या करता है? अरे भाई तो नेटवर्क है नहीं है जिसका, उसका पूजा करे क्या? हाँ होनी चाहिए सर। तो ये है हमारा बना क्लोरोबेंजीन, ये इसका मैकेनिज्म था। मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट चीज है कि इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो तुम्हारा बन रहा है ट्रांजिशन स्टेट, वो है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। वो क्या है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत ना? ओके वेरी गुड। आओ एक सवाल दें और इसका जवाब देगी रेवती। क्यों रेवती, दोगी ना? ठीक है दे दो फिर। कोशिश तो रहेगा सर। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार ही होती है सर। विमल खाने से नौका पार नहीं होती, समझे? खाने से हो जाती है, खा के देखो एक बार। अच्छा सॉरी, खाते ही तो खा के देखो क्या बोलते। कुछ भी मतलब रेवती तुमको पता है विमल मतलब क्या होता है? आप टांग खींच सकते तो मैं नहीं खींच सकता। हाँ भाई बताओ, प्रोडक्ट बताओ, सारे बच्चे बताएंगे। प्रोडक्ट दो भाई, प्रोडक्ट बताओ। क्लोरोबेंजीन ही बनेगा। क्लोरोबेंजीन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं यही तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि लेविस एसिड या ल्यूस एसिड में कुछ भी हो जाए, तुम्हें तो बनाना है क्लोरोबेंजीन। क्या बनाना है तुम्हें? क्लोरोबेंजीन। ठीक है बोलो भैया, बताओ कोई दिक्कत? तुम्हें तो बनाना है क्लोरोबेंजीन। दीपशिखा सेजवाल कोई दिक्कत? और प्लस में तुम बना देना HCl। हाँ क्या पूछ रही है, क्या पूछ रही हो दीपशिखा? कुछ नहीं सर। समझ में नहीं आया क्या? आ गया। लगता है दीपशिखा आज काफी डिसअपॉइंटेड है। कोई नहीं, हो जाता है ना दीपशिखा, कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है, क्या करोगे? मुझे खुद अभी निकलना है अपने एक दोस्त के पास, वो भी साइकिल से। तो इसमें क्या है, हेलीकॉप्टर भेजूं या बोलो जेट भेजूं रफाल? दादाजी के साइकिल से, BS4 का 21 इंच वाला साइकिल, पुराना जमाना। फिर ठीक है, कोई नहीं सर। फिर समझ सकता हूँ। समझ सकता हूँ ना, वो भी स्वैग में जूता मजा जींस विंस चढ़ा के। फिर ठीक है सर, फिर समझ सकता हूँ, कोई नहीं। एक्चुअली आजकल वही सोचे, वही साइकिल चलाएंगे तो सही रहेगा मेरे लिए, है ना? जी वो ऑप्शन ही नहीं है कि वही चलाना, मतलब सही बात नहीं है। नहीं डॉक्टर ने बोला। चलो इधर देखो, तो इसमें दीपशिखा तुमको समझ में आया कि ल्यूस एसिड में यहाँ पर कुछ भी रहे, क्लोरीन रहे, ब्रोमीन रहे, कुछ भी रहे, तुम्हें करना क्या है बोलो? तुम्हें तो ये देखना है ये कि यहाँ है क्या। आएगा सर, क्या सब लिखियो, क्या सब लिख रही है दीपशिखा सेजवाल? पक्का ये टीवी देख रही है। आ गया कौन, क्या अरे सर समझ, मैं टीवी नहीं देखती हूँ। मगज आ गया सर। चलो तो मैं तुमको बोलना चाहूंगा कि अच्छा एरो क्यों लिखा है, कि ल्यूस एसिड या कुछ लोग लेविस भी कहते हैं, जैसे हम तो लेविस ही हम बोल देते हैं, लेविस एसिड तुम्हारे बुक में जो दिया है वो अलग, मैं जो लिखवाऊंगा वो अलग। वो कौन कौन सा हो सकता है, तुमको कौन कौन सा दे सकता है? FeCl3 दे सकता है, FeBr3 दे सकता है, FeCl2 दे सकता है, FeBr2 दे सकता है, AlCl3 दे सकता है, AlBr3 दे सकता है, ZnCl2 दे सकता है, ZnBr2 दे सकता है, BF3 दे सकता है। ठीक है, ये सब क्या है? ल्यूस एसिड, लेविस एसिड। तुम्हारे NCERT बुक्स में AlCl3 के नीचे एनहाइड्रस करके लिखा रहता है,
है ना, और क्या क्या दिया होगा एनसीईआरटी में, FeCl3, FeBr3, ये सब, बट ये सब भी हैं जो मैंने लिखवाया है, अगर ये भी तुम्हारे नजर में दौड़ जाए तो तुम्हें क्या समझना है कि अच्छा एक बार नजरें इनायत कर ले कि कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना हो रहा हो। बोलो ऐसा कर सकते हो क्या? रेवती, दीपशिखा, स्मृति, तुम तो मतलब गायब ही हो गई, कुछ समझ रही हूँ तो जवाब दो फिर, समझ चुकी हो तो लो जवाब दो फिर। सुने ना स्मृति का जवाब, सब कुछ समझ चुकी हूँ सर, समझ रही हूँ सर, आपको सही में कान का चेकअप कराना जरूरी है। कहाँ कान का? अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कोई आर्मी वार्मी कैंटीन कैंटीन से कोई मेरा हेल्प करेगा क्या? मुझे कुछ शॉपिंग करना है। आओ आओ करवा देते हैं। एक ही आदमी बोला, बाकी एकदम देख रहे हो एकदम सदमे में, ऐसा क्या पूछ लिए ये पर्सनल बात थोड़ी ना होती, आओ करा देते, मना तो नहीं करेंगे। देख रहे हो ना स्मृति को, तो देखो एकदम सुन्न पड़ गए। मैं मना थोड़ी ना करूंगी, तुम वेलकम ये भी तुम्हें भैया पूछने वाली बात होती है, सही तो बोला। अच्छा इसका प्रोडक्ट बताओ फिर हम पूछते हैं तुमसे, पहले तो तुम इसका प्रोडक्ट ठीक है बताओ। बताती हूँ। हाँ इसका भी अच्छा उसमें डिस्काउंट मिलता है क्या निकेत? नहीं, ब्रोमो बेंजीन, तो फिर हमको दिलवा दो ना कुछ कुछ सामान, आज जो दिला देते। एक्चुअली शादी के लिए लेना है तो दिलवाओ फिर, है ना? क्या हाँ बोली तो हूँ, उसमें अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। देखा आज बोल ही दिया ना, ब्रोमो हाँ बेंजीन ओहो बनेगा। और देखो क्या क्या देवशिका बना, ने ब्रोमो पकड़ लिया। बेंजीन। चलो भाई अच्छा ब्रोमो सर आपका बेंजीन, शादी हो रहा है, वाह। अरे अरे कौन से दुनिया में, और टिकटॉक तो जा चुका है, अब कौन से दुनिया में चली गई तुम? हाँ टका टका है सर, और टका बताया भी टका नहीं है उन्होंने, देख रहे हो, नहीं वो सर, तो हमें सबको पता हमारे है, तो सूत्रों आप से पता चल छुपाने गया। की कितना दीदी कोशिश दीदी करते हो, दीदी रहने दो। अच्छा इधर देखो, इसमें कोई कोई नहीं दिक्कत है सर, क्या? ये होगा ब्रोमो बेंजीन, है ना? हाँ तो मत तुम मुझे बुलाओ, शॉपिंग करवा दो, है ना, थोड़ा सा हम अपने स्तर से आ कुछ जाओ करा देना देते हैं। चाहें तो मुझे लिस्ट भेज देना क्या क्या वहां मिलेगा, है ना, फिर मैं उस हिसाब से सोचूंगा, विचार करूंगा। आपको क्या चाहिए आप बोलिए, सब मिलेगा। सही ना, ठीक है मैं तुम्हें लिस्ट कॉल कर भेज लूंगा, दीजिए क्या क्या मिलेगा। मैं तुम्हें कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, क्लास के बाद रात में 8 बजे। ये है ब्रोमो बेंजीन, ओके, ये क्या है ब्रोमो बेंजीन, कोई दिक्कत? नो सर, ठीक है, लेकिन एक बात इधर देखो, अभी तक हमने कुछ भी देखा है तो ब्रोमीन देखा है, मैं हाँ भाई ब्रोमीन देखा, क्लोरीन देखा, तुम फ्लोरीन का ऐसा मत करवा देना, फ्लोरीन का ऐसा रिएक्शन नहीं होगा, वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगा, बम पटाके छूटने लगेंगे, है ना? तो तुमसे अगर ऐसे बोलता है फ्लोरीन का करवाने के लिए तो नहीं, उसके लिए कुछ स्पेशल टाइप का, याद करो वहां भी स्पेशल टाइप का रिएक्शन था, स्वार्ट्ज रिएक्शन, याद है? याद आया कुछ? अरे कोई रिप्लाई तो कर दो, हाँ ना कुछ तो बोलो, नहीं याद है देखो बताना क्या था। कॉपी पलट के देख लेना, ठीक है? तो आओ हमारे पास 10 मिनट है, ये मीटिंग बंद हो जाए इससे पहले, हम देखेंगे आयोडीन का रिएक्शन, ठीक है, ये स्पेशल केस है आयोडीन का, याद करो आयोडीन का स्पेशल केस वहां पे लिए थे फॉर ब्रोमो हेल ब्रोमो बेंजीन था, आयोडो बेंजीन, है ना? फॉर आयोडो बेंजीन किसका बात कर रहे हैं अरे यार किसका बात कर रहे हैं, फॉर आयोडो बेंजीन, देखो ये स्पेशल केस है, ध्यान से देखो, इसके साथ वो काम मत कर देना जो तुमने क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ किया, काफी गलत हो जाएगा। ये देखो दिखा, ले लो I2, क्या बोल रही हो, दिख ले लेते लिया हैं सर। AlCl3 लेविस एसिड, नीचे लिख दो लेविस एसिड, ठीक है, अब प्रोडक्ट जो बनाओगी ना तो प्रोडक्ट वही बनेगा जो तुम सोच रही हो, क्या बनेगा, वही जो तुम सोच रही हो, दैट इज आयोडो बेंजीन, क्या बनेगा आयोडो बेंजीन, ठीक है लो बना दो आयोडो बेंजीन, तो ये बना आयोडीन यहाँ पर,
और हाइड्रोजन आयोडाइड एच आई। अब देखो ये जो एच आई बना है ये एच आई क्या होता है, हाईली रिड्यूसिंग एजेंट, याद है? ये बोलेगा भैया हम तो रिड्यूस करेंगे तुमको फिर से बनाएंगे आई टू। बोलो याद आया कुछ इससे पहले वाला कुछ रिएक्शन याद है? ये तो बोल रहा है कि हम तो तुमको रिड्यूस करेंगे और हम तो बना देंगे वापस वही बना देंगे, तो ये हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन। ये एरो फिर देना गलत हो जाएगा यहाँ पे। ये कैसा रिएक्शन है? ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। कोई दिक्कत? तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, ये तो बहुत ही स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, चाहो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेरी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। फ्लोरीन का बस मत करवाना, वेरी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। It reduces iodobenzene to benzene, ऐसा लिख सकते हैं क्या अनिकेत? क्या कोई मुझे सुन सकता है? Am I audible to anyone? Yes, sir. कोई जवाब ही नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। तो अब बताओ हम क्या करें, अगर हम इसके जगह पे वही चीज यूज कर ले जो उस वक्त यूज कर रहे थे। रेवती मुझे बताओ क्या वहां पे यूज कर रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां HNO3 यूज कर रहे थे क्या, HIO4 यूज कर रहे थे क्या, जो कि स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था और आयोडीन भी था उसमें। बोलो तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? इसका सॉल्यूशन है हमारे पास यूज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बोलेगा तुम दुनिया को आग लगाओगे, हम तुम्ही को आग लगा देंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, समझ में आया स्मिति? HI बोल रहा था कि हम दुनिया में आग लगा देंगे और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बोला ठीक है लगाओ हम तुम में ही आग लगाते हैं, तो उसकी जगह तुम क्या यूज कर सकती हो, कंसेंट्रेटेड HNO3 या फिर HIO4। बोलो यूज कर सकती हो। अब क्या होगा ध्यान से, यहां पर क्या होगा, तो अब जब 2HI के जगह तुम यूज करोगे HIO4। हाँ पूछो, या फिर HNO3। तो याद करो क्या बना रहा था ये, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वाटर प्लस I2 बना रहा था, याद करो। यानी ये HI को क्या करेगा, फिर से I2 बना देगा, रिएक्शन चल जाएगा हमारा, दौड़ेगा ये, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट पेज में जल्दी से लिख देता हूँ, बैक कर दो, चलो एक मिनट भैया लिख दे। यहाँ पे तुम्हें यूज करना पड़ेगा प्लस I2 के साथ, तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा, HNO3 या फिर HIO4। ये तुमको देगा अब आयोडोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन का ये प्रोसेस नहीं होता है, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है, क्योंकि वो हाईली एक्सप्लोसिव हो जाता है। ये हो गया हमारा आयोडोबेंजीन। इसमें थोड़ा और भी ज्यादा हमें डिटेल में पढ़ना है कि अगर किसी कोई यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जैसे टोलुइन में CH3 ग्रुप जुड़ा है, तो कौन से पोजीशन पे आके जुड़ेगा, आयोडीन या क्लोरीन या ब्रोमीन, ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, तब तक के लिए।